dear students, in this module we are going to talk about different types of groups. we have already talked about primary and secondary groups. however, apart from these two classifications, there are some other classifications as well. for example, in-groups and out-groups. in-groups refer to the groups which, are, which we feel a sense of belonging and loyalty. वाय आउट ग्रुप्स आर द ग्रुप्स इन विच वई फील अ सेंस ऑफ अपोजिशन एंड कम्पिटिशन जो इन ग्रुप होता है किसी भी इंडिविजअल मेम्बर के लिए वो उसका अपना ग्रुप होता है जिसका कि वो हिस्सा होता है जिसका वो मैंबर होता है और जो उसको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग प्रोवाइड कर रहा होता है जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा होता है उसकी नस्बत उसके मुकाबले में जो ग्रुप होता है वो आउट ग्रुप कहलाता है जिसका वो हिस्सा नहीं होता है या पॉसिबली उसका हिस्सा नहीं बन सकता है और वो हमेशा उसको अपना राइवल या कंपटिटिव ग्रुप समझता है मिसाल के तौर पे अगर हम दो क्रिकेट टीम्स की बात करें तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अगर इंडियन क्रिकेट टीम के साथ मैच खेलती है तो इन ग्रुप फीलिंग्स जो हैं वो हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ होंगी और आउट ग्रुप फीलिंग्स जो हैं वो टू इंडियन आ, क्रिकेट टीम होंगी जिसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि Uh, दो बाइनरी अपोजिशंस के अंदर हम इस इन ग्रुप और आउट ग्रुप फीलिंग्स को एट द सेम टाइम फील कर रहे होते हैं देन वी हैव द रेफरेंस ग्रुप्स आर द ग्रुप्स टू विच वी कंपेयर आवर सेल्फ एंड आवर एटीच्यूड्स बिलीफ्स एंड बिहेवियर्स रेफरेंस ग्रुप आपके लिए एक किस्म का वो मैार होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं जिनको मद्देनजर रख के आप अपने बिहेवियर को उनके मुताबिक बनाने की कोशिश करते हैं मिसाल के तौर पे अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है या उसके जो खिलाड़ी हैं वो आपके लिए रेफरेंस ग्रुप साबित हो सकते हैं अगर आप अच्छी बैटिंग करते हैं या बैटिंग अच्छे बैटर बनना चाहते हैं तो फिर उसके लिए जो पाकिस्तान के टीम के जो अच्छे बैट्समैन होंगे वो आपके लिए एक रेफरेंस ग्रुप साबित होंगे

जबकि इनफॉर्मल ग्रुप्स के अंदर जो है ये नेचुरल प्रोसेस के नतीजे में जो है वो फॉर्म करते हैं मिसाल के तौर पे फैमिली है तो फैमिली आपका एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है जिसमें आप अपने इंटरक्शन को भी इनफॉर्मली परफॉर्म कर सकते हैं ये आपके लिए इस काइंड ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यू जिसमें आप हेजिटेशन फील नहीं करते हैं झिझक महसूस नहीं करते हैं इसके लिए इसमें इंटरेक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको किसी खास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती बल्कि आपका रवैया जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है जबकि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं उनमें आप रिलेटिवली वेल प्रिपेयर्ड होते हैं आपका बिहेवियर जो है वो वेल well पैटर्न होता है वेल well मेंटेन्ड होता है और आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है देन वी हैव वर्चुअल ग्रुप्स वर्चुअल ग्रुप्स आर द ग्रुप्स दर इंटरेक्ट प्राइमरली थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी सचैज ऑनलाइन कम्यूनिटीज़ और सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक के ऊपर जैसे बहुत से ग्रुप्स बने होते हैं आप उनका हिस्सा होते हैं वो आपके सोशल uh, नेटवर्क का भी हिस्सा होते हैं तो ये वर्चुअल ग्रुप्स भी आज की दुनिया में इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सोशल ग्रुप बन चुके हैं जिसमें आप अपनी ग्रुप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं हाज दो कि वो वर्चुअली होती हैं लेकिन ये आपके बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होती हैं इस वजह से ये बहुत अहम हैं uh, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में हम देखें तो स्पोर्ट्स टीम और पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन बी द एग्जांपल ऑफ इन ग्रुप वाइल द टीम्स और अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन बी द एग्जांपल ऑफ आउट ग्रुप्स एंड सोशल मीडिया ग्रुप्स और ऑनलाइन फोरम्स कैन बी द एग्जांपल ऑफ वर्चुअल ग्रुप्स